देवी शैलपुत्रे नमः। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। माँ नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री को वृक्षोरुणा और उमा के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिसके कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश स्थापित करें। फिर माता शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं काफी प्रिय हैं, इसीलिए चंदन रोली से टीका कर माँ की प्रतिमा पर सफेद वस्त्र और सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भोग भी माँ को बेहद ही पसंद आता है। इसके बाद माता शैलपुत्री की कथा श्रवण करें और दुर्गा सप्तशती एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात माँ की आरती करें। माता शैलपुत्री मंत्र इस प्रकार है। वंदे वाचरित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृक्षारूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनिम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।